गाइस, हॉरोस्कोप एक पर्सन की जिंदगी के सारे मेजर एस्पेक्ट्स को कैलकुलेट करता है। एस्ट्रोलॉजी इज नियर टू इवेंट। एस्ट्रोलॉजी आपके भाग्य को नहीं बदल सकती, लेकिन आपको मार्गदर्शन एक सही एस्ट्रोलॉजर दे सकता है। कौन सा समय आपके लिए स्ट्रगलिंग है, किस समय में आपको गेन्स होंगे, जॉब मिलेगी, आपकी पर्सनल लाइफ सेटल हो जाएगी, थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली, कब आपको स्ट्रगल चैलेंज हसल्स का सामना करना पड़ेगा। अलर्ट, इट्स ऑल अबाउट अलर्ट। एस्ट्रोलॉजी इज अबाउट अ रोड मैप। आपकी जिंदगी की जो रोड मैप है वो क्या है, आपके लाइफ का कौन सा रूट, कौन सा डायरेक्शन आप पकड़ें कि आप अपने डेस्टिनेशन पे इजी पहुंच जाएं, इट इज कॉल्ड एस्ट्रोलॉजी। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ वीकली प्रेडिक्शन। वीक स्टार्ट हो रहा है 29th of July 2024 से 4th August 2024 तक। जैसे कि मैं अपने नए व्यूवर्स को बता दूं, मेरी ये प्रेडिक्शंस आपके असेंडेंस के बेस पर हैं, आपके सन साइन, आपके मून साइन से मेरी प्रेडिक्शन का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अपने असेंडेंस साइन को अपने माइंड में रखें, मेरे वीडियोस को सुने, यू विल डेफिनेटली गेट सम इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू अपकमिंग वीक एंड यू कैन मेक योर लाइफ इजी एंड बेटर थ्रू वर्शिप एंड चैंटिंग। सो लेट्स टॉक अबाउट एरीज असेंडेंस, यानी कि मेष लगन। मेष लगन 29 जुलाई से 4th August 2024, मंडे ट्यूसडे आपके लिए पॉजिटिव डेज होंगे। आपकी हेल्थ में बड़ी पॉजिटिविटी रहेगी, माइंडसेट बड़ा पॉजिटिव रहेगा, क्रिएटिव आइडियाज आपके आएंगे। अगर आप जॉब में हैं, सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से बड़े सेटिस्फाई होंगे। ये सारा टाइम आपके गुड फॉर्चून स्माइल करेगा, पेंडिंग वर्क क्लिक होंगे, थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली, यू विल एंजॉय नेम फेम प्रोस्पैरिटी। मंडे ट्यूसडे को अनएक्सपेक्टेड गेन्स आपको ओल्ड इन्वेस्टमेंट से होंगे, स्टॉक मार्केट से आपको गेन्स हो सकते हैं, फैमिली से आपको बड़ी सपोर्ट मंडे ट्यूसडे को मिलेगी। आपके एल्डर से, आपके पेरेंट्स से, आपके एल्डर सिबलिंग से, आपके स्पाउस से, अगर आप मैरिड हैं तो आपको कोई बड़ी सपोर्ट मिलेगी। आपके सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से बड़े सेटिस्फाई होंगे और मार्केट से अच्छा खासा बिजनेस निकालने में आप कामयाब हो जाएंगे। थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली ऑन मंडे ट्यूसडे, यू विल एंजॉय बेनिफिट्स, नेम फेम प्रोस्पैरिटी एंड देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांसेस यू मे अर्न मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग। वेडनेसडे थर्सडे कुछ हेल्थ रिलेटेड इशूज आएंगे, स्लो डाउन रहेगा प्रोफेशन में, कोई नई इन्वेस्टमेंट्स, कोई नई डील आपने साइन नहीं करनी, कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना, किसी नई डील में आपने इन्वॉल्व नहीं होना। वेनेसडे थर्सडे आपने अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलना है, प्रोफेशनली ध्यान रख के चलना है। कोई नियर डियर आपका आपको चीट कर सकता है, मेंटल स्ट्रेस दे सकता है और अनबैलेंसिंग सिचुएशंस वेनेसडे थर्सडे को चलेंगी और ये सारा टाइम आपके लिए कुछ क्रूशियल रहेगा, टफ रहेगा, हार्ड रहेगा। थिंग्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, यू विल बी अ पार्ट ऑफ एनी स्ट्रेस। वेडनेसडे थर्सडे आपके आपके स्पाउस के साथ या आपके नियर डियर के साथ कोई लड़ाई झगड़ा या किसी आर्गूमेंट्स में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं और ये टाइम आपके लिए चैलेंज लेकर आएगा, ये टाइम आपके लिए स्ट्रगल लेकर आएगा। बने बनाए काम आपके वेडनेसडे थर्सडे को रुकेंगे या जिस तरह की आप उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे अपने वर्क प्लेस से, अपनी परफॉर्मेंस से, उस तरह के रिटर्न्स, उस तरह के रिजल्ट्स आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। वेडनेसडे थर्सडे, मैं बार बार रिपीट करूँगा, किसी स्ट्रेंजर पे आपने ट्रस्ट नहीं करना, इवन किसी नियर डियर के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना। थोड़ा सा अपने बिहेवियर पे अपने वेडनेसडे थर्सडे को काम करना है। फ्राइडे सैटरडे आपके लिए फिर से पॉजिटिविटी लेकर आएंगे, खास करके जो लोग जॉब में हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, उनके लिए कोई गुड न्यूज़ आएगी। या अगर आप फॉरेन रिलेटेड कोई काम करते हैं तो फ्राइडे सैटरडे आपको अच्छा खासा यू नो मनी ट्रांजेक्शन आपकी होंगे और गेन्स आपको अच्छा खासा होगा। और ये टाइम फॉरेन से कोई आपको बड़ा ऑर्डर भी मिल सकता है, अगर आप इम्पोर्टर एक्सपोर्टर हैं। फॉरेन अफेयर से आपको बेनिफिट्स हो गए, थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली, यू विल एंजॉय नेम फेम प्रोस्पैरिटी। वेडनेसडे थर्सडे आपके रुके हुए काम सारे क्लिक हो जाएंगे। लीगल मैटर्स में अगर आप इन्वॉल्व थे तो वो फैसला आपके पक्ष में आ जाएगा और ये सारा टाइम आपके लिए गुड फॉर्चून आपका काम करेगा, हार्डवर्क आपका पे ऑफ होगा और आपके लिए ये टाइम सोने पे सुहागा रहेगा कि ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स इन प्रॉपर्टी विल गिव यू वंडरफुल रिटर्न्स। खास करके जिन लोगों ने रियल एस्टेट पे पैसा लगा रखा है, उनके लिए फ्राइडे सैटरडे अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी टू मेकिंग मनी, कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट से रियल एस्टेट में आप अच्छा खासा मुनाफा बनाएंगे या आपके प्रॉपर्टी के बायर्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। और इस समय में आप कोई नई डील, नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे जो आपको नियर फ्यूचर में बड़ा बेनिफिट देके जाएगा। स्पाउस की हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, स्पाउस के साथ ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी। फ्राइडे सैटरडे आपकी सेविंग्स राइज होंगी, फाइनेंशियल टाइप्स आपके अच्छे होंगे, पार्टनर्स आपको सपोर्ट करेंगे, थिंग्स विल बी परफॉर्म एज पर योर एक्सपेक्टेशंस एंड यू विल एंजॉय कम्फर्ट्स एंड बेनिफिट्स। संडे का दिन आप मौज मस्ती में स्पेंड करेंगे।
संडे का दिन अपने दोस्तों के साथ गेट टुगेदर करेंगे, या आपके घर में कोई विदेश से कोई मेहमान आ सकते हैं, बट ओवरऑल ये वीक आपके लिए वेनसडे थर्सडे को छोड़कर मंडे ट्यूसडे फ्राइडे सैटरडे और संडे काफ़ी पॉजिटिविटी लेकर आएंगे और क्रिएटिव माइंडसेट से आप काफ़ी ज़्यादा अपनी मुश्किलों का समाधान निकालने में कामयाब हो जाएंगे। अनएक्सपेक्टेड गेन्स मिलेंगे, फैमिली की सपोर्ट मिलेगी, थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली, यू जस्ट नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट। सो इस वीक की जो रेमेडीज हैं एरीज, रेमेडी नंबर वन, भगवान शिव की उपासना करें हर रोज सुबह 3 बार 5 बार या 7 बार। अब भगवान शिव की उपासना करें, शिव चालीसा का उच्चारण करें या 108 नाम भगवान शिव के उच्चारण करें, और इस सारे सप्ताह में कच्चे दूध में एक चुटकी काले तिल डालकर शिवलिंग पे अभिषेक करें। नमक चमक रुद्र अभिषेक मंडे वाले दिन करवाएं तो आपके लिए सप्ताह सोने पे सुहागा रहेगा। एक कोरल और एक येलो सफायर गोल्ड में मढ़ाकर गले में डाल लें, कॉन्फिडेंस लेवल बनेगा, हेल्थ इश्यूज रिमूव होंगे, दूर होंगे और फाइनेंशियल गेन्स होंगे, अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, अनमैरिड के लिए रिश्ते की विंडो ओपन होगी, थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली। किस्मत का सहारा यहाँ पर आपको मिलेगा इफ़ यू वेयर दीज टू जेमस्टोन विद यू नो एस्ट्रोलॉजिकल प्योरिफिकेशन। अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंस की। 29 जुलाई से 4 अगस्त की ये प्रेडिक्शन है। देखिए मंडे ट्यूसडे आपके लिए बड़े चैलेंज आएंगे, अनबैलेंसिंग सिचुएशंस आएंगी, टफ टाइम आएगा, हार्ड टाइम आएगा, आपकी इन्वेस्टमेंट्स आपको अच्छा रिटर्न्स नहीं देंगी जिससे मन आपका परेशान रहेगा, स्टॉक मार्केट में आपको भी लॉस हो सकता है, आपका नियर डियर आपको चीट कर सकता है या किसी दोस्त के साथ आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है। मंडे ट्यूसडे आपके सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई नहीं होंगे, आप बहुत एफर्ट्स करेंगे, बहुत आप अपनी तरफ से प्रयास करेंगे कि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलें, लेकिन वो नहीं मिल पाएंगे। मंडे ट्यूसडे किसी को पैसा उधारी ना देना है, ना लेना है, ना कोई लोन लेना है, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना और बहुत केयरफुल होकर चलना, लड़ाई झगड़ा लीगल मैटर्स में आपने बिल्कुल नहीं इन्वॉल्व होना। वेनसडे थर्सडे आपके लिए गेम चेंजर रहेंगे, पॉजिटिविटी आपको मिलेगी और कोई कम्युनिकेशंस के थ्रू, फोन कॉल, व्हाट्सएप चैटिंग के थ्रू आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। सम अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स आर देयर एंड यू विल एंजॉय कम्फर्ट्स, यू विल एंजॉय बेनिफिट्स, यू विल गेट बिग बिजनेस फ्रॉम मार्केट इफ यू आर इन जॉब, योर सीनियर्स आर सेटिस्फाइड फ्रॉम आवर परफॉर्मेंस, यू विल एंजॉय मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, इफ यू आर इन्वेस्टर और बिजनेसमैन यू विल ब्लेस विद अ बिग ऑर्डर। दिस इज अ वंडरफुल टाइम इन द टर्म्स ऑफ मेकिंग मनी। टॉरस वेनसडे थर्सडे आपका हार्ड वर्क आपको पे ऑफ करेगा, मार्केट से अच्छा खासा बिजनेस निकालने में कामयाब हो जाएंगे और ये टाइम आपका कॉन्फिडेंस लेवल चरम सीमा पे रहेगा और इस कॉन्फिडेंस और करेज के सदके नए नए आयाम आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में स्थापित करेंगे, लेकिन स्पाउस के साथ थोड़ी सी तूतू मैं आपकी बनी रहेगी वेनसडे थर्सडे को, या स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, समथिंग इज देयर रिलेटेड टू योर स्पाउस जो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, आपको बैलेंस बनाना है टॉरस और पेशेंस से चलना है। फ्राइडे सैटरडे देखें आपके लिए फिर से यहाँ पे थोड़े से टफ रहेंगे, अनबैलेंसिंग सिचुएशंस हैं या जो आप करना चाह रहे हैं वो आप नहीं कर पा रहे, मेंटल स्ट्रेस, एंग्जायटी, टफ टाइम ये चल रहा है और आप जितनी ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं आपको रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिल रहे, ये टाइम आपके लिए क्रूशियल रहेगा, हार्ड रहेगा और थिंग्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। किसी किस्म का लोन आपने नहीं लेना, अदरवाइज यू आर नॉट एबल टू पे योर इंस्टॉलमेंट्स, और इस समय में आप रेंट्स देना है उसकी प्रॉब्लम है, क्रेडिट कार्ड के बिल देने हैं उसकी प्रॉब्लम है, मेंटल स्ट्रेस है, कैश फ्लो टाइट है और उस तरह की परफॉर्म आप नहीं कर पा रहे जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी। कि रुक रुक के इस सप्ताह में छोटे मोटे धन लाभ चलते रहेंगे, प्रेशर गेंस छोटी मोटी होंगे लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर चलना है, कोई भी इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना, आपने जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन आपने नहीं लेना, अपने स्पाउस के साथ इस सप्ताह में आपने एक पोलाइट टॉक पे रहना है और हम्बल होके चलना है, अपने स्पाउस की हेल्थ का और आपके रिलेशन का अपने स्पाउस के साथ आपने ध्यान रखना है। क्या रेमेडीज करनी है आपने टॉरस? रेमेडी नंबर वन, 8 किलो चावल आपने फ्राइडे वाले दिन धर्म स्थान पे मंदिर या गुरुद्वारे में डोनेट करने हैं। रेमेडी नंबर टू, थर्सडे वाले दिन किसी नीडी पर्सन को मेडिकल हेल्प देनी है। रेमेडी नंबर थ्री, सैटरडे वाले दिन 3 ड्राई कोकोनट राउंडिंग 17 टाइम एंटी क्लॉकवाइज में 4 हेड एंड थ्रो इन द रनिंग वाटर, ये आपने सैटरडे वाले दिन सुबह करना है। थिंग्स विल बी डेफिनेटली टर्न इन योर फेवर कि स्ट्रगल थोड़ी कम होगी, सक्सेस का लेवल बढ़ेगा और मेंटल स्ट्रेस आपकी कम होगी और चीज़ों में आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस इस वीक से आप ना लगाएं और बस अपनी परफॉर्मेंस की ओर, अपने हार्डवर्क की ओर ध्यान देते रहें। अब बात करते हैं जेमिनी असेंडेंस की। 29 जुलाई से
4th ऑफ अगस्त तक की ये प्रेडिक्शन है। देखिए मंडे ट्यूसडे जर्मनी आप फॉरेन ट्रैवल्स पे जाएंगे या फॉरेन ट्रैवल जाने का प्लान करेंगे या कोई टिकट बाय करेंगे या ट्रैवल करेंगे और ये ट्रैवल आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल रहेगा। फैमिली टाइज के मामले में, रिलेशनशिप्स के मामले में, बिजनेस रिलेशनशिप के मामले में ये ट्रैवल आपके लिए जबरदस्त है। फॉरेन रिलेटेड एक्टिविटीज विल बी वंडरफुल ऑन मंडे ट्यूसडे। यू विल मेक लॉट ऑफ मनी इन योर बिजनेस। योर ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स विल गिव यू फ्रूटफुल रिजल्ट्स। यू मे इन्वेस्ट योर मनी इन स्टॉक मार्केट और स्पेकुलेशन एंड यू विल मेक लॉट ऑफ मनी। This is a time when you will bless with the smart gains. This is a time when you feel very much positivity, relaxation of mind, and you will enjoy comfort and resources. Monday, Tuesday, आपकी चीजें बेहतर होती जाएंगी, आपका हार्ड वर्क आपको पे ऑफ करेगा, एफर्ट आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे और ये समय आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी लेकर आएगा। इस समय में आपको स्पाउस की तरफ से, दोस्तों की तरफ से, वेल विशर्स की तरफ से कोई बहुत अच्छी एडवाइस मिल सकती है जो आपके लिए एक चमत्कार की तरह काम करेगी कि आपके रुके हुए काम क्लिक होते जाएंगे, भाग्य का सहारा मिलेगा और बहुत अच्छे गेन्स और बहुत अच्छी सेविंग्स करने में आप मंडे ट्यूसडे को कामयाब हो जाएंगे। वेनेसडे थर्सडे जो लोग जॉब में हैं उनके लिए थोड़ा क्रूशियल रहेगा। आप बहुत एफर्ट्स करेंगे वेनेसडे थर्सडे लेकिन आपको बिजनेस उस तरह से मार्केट से नहीं मिलेगा जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं। कुछ अनबैलेंसिंग सिचुएशन रहेगी, डाइसी सिचुएशन रहेगी, मेंटल स्ट्रेस एंग्जाइटी रहेगी, टफ टाइम रहेगा, हार्ड टाइम रहेगा और ये टाइम आपके लिए कुछ अनबैलेंसिंग सिचुएशंस लेकर आएगा। इस समय में आपने बहुत केयरफुल और अलर्ट होकर चलना है, ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे नहीं करना, स्पाउस की हेल्थ का, बिजनेस पार्टनर के साथ रिलेशनशिप का ध्यान रख के चलना है, अपने बच्चों के साथ अपने रिलेशनशिप का ध्यान रख के चलना है अगर आप मैरिड हैं, अगर आपके बच्चे हैं तो, क्योंकि वेनेसडे थर्सडे आपके बच्चे को आपसे डिमांड कर सकते हैं या आपके बच्चों से कोई गलती हो सकती है जिसको आप नज़रअंदाज नहीं करेंगे और इस समय में फैमिली एटमोसफेयर सफ़र करेगा, बिजनेस में आपका फोकस नहीं रहेगा, उस तरह के रिटर्न्स, उस तरह के रिजल्ट्स आपको प्रोफेशन में नहीं मिलेंगे जो आप एक्सपेक्टेड थे या जो आपने मंडे ट्यूसडे को एंजॉय किया है। तो वेडनेसडे थर्सडे यू आर फीलिंग लो, यू आर इन ए डीप थॉट्स कि बहुत ज़्यादा सोच विचार का समय चल रहा है पर्सनल फ्रंट, प्रोफेशनल फ्रंट पर, लेकिन स्मॉल स्मॉल गेंस ये वेडनेसडे थर्सडे को भी हैं। मात्रा ज़्यादा बड़ी नहीं है गेंस की लेकिन फिर भी गुजारे लाइक आई चलाई आपकी चलती रहेगी। फ्राइडे सैटरडे को आप बाउंस बैक करेंगे, थिंग्स विल बी परफॉर्म गुड फॉर यू। कुछ आपके बिजनेस पार्टनर्स आपको सपोर्ट करेंगे, रुका हुआ धन लाभ आपको होगा, लेकिन साइड बाय साइड छोटे मोटे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से आप यहाँ से गुजरेंगे। जब स्टमक रिलेटेड ट्रबल आपको होगी, एसिडिटी ट्रबल आपको होगी, डाइजेस्टिंग सिस्टम रिलेटेड ट्रबल होगी या आपका लिक्विड प्रोफाइल बढ़ सकता है, इन चीज़ों को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। फ्राइडे सैटरडे को जिम योगा ज़रूर करें, कंटिन्यू करें और ख़ास करके आपने इस समय में ऑयली फूड, जंक फूड, नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाना, बिल्कुल अवॉइड करना। लेकिन फ्राइडे सैटरडे को आपके बिजनेस पार्टनर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके स्पाउस आपको सपोर्ट करेंगे और इस समय आपकी नई क्रिएटिविटी से आप मैजिक क्रिएट करेंगे। बॉलीवुड हॉलीवुड से जुड़े हैं तो कोई नया कॉन्ट्रैक्ट या डील आप साइन करेंगे और इस समय आपको साइनिंग अमाउंट मिलेगी, सेविंग्स आपकी बढ़ेंगी, प्रीशियस मेटल आप बाय करेंगे लाइक गोल्ड, सिल्वर, डायमंड्स और समथिंग इज देयर कि आप कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं गोल्ड, सिल्वर, डायमंड में या स्टॉक मार्केट में जो आपके लिए बड़ी प्रोडक्टिव रहेगी नियर फ्यूचर में। जर्मनी वेडनेसडे थर्सडे को छोड़कर मंडे ट्यूसडे फ्राइडे सैटरडे आपके लिए गेम चेंजर टाइम है। इस सप्ताह में क्या रेमेडी करने से आपकी पॉजिटिविटी और बढ़े और नेगेटिविटी कम हो। रेमेडी नंबर वन, भगवान शिव की उपासना करें। 3 बार 5 बार या 7 बार आपने शिव चालीसा का उच्चारण करना है। रेमेडी नंबर टू, गणेश चालीसा का उच्चारण करना है। 3 बार 5 बार या 7 बार मोतीचूर के लड्डू, मोटी बूंदी वाले गणेश भगवान को भोग लगाना है। क्वांटिटी होनी चाहिए 1.25 किलो वेनेसडे वाले दिन सुबह के समय। और रेमेडी नंबर 4 आपके लिए, हैंडीकैप लोगों को आपने हेल्प करना है या कुछ चैरिटी करनी है थर्सडे वाले दिन। इन 4 स्मॉल रेमेडीज, वर्शिप और रेमेडीज को आप करें, थिंग्स विल बी डेफिनेटली टर्न इन योर फेवर। बट जो भी करें सप्ताह में प्लान्ड वे से करें, सोच समझ के करें, एक्सपर्ट्स की एडवाइस से करें, सक्सेस आपको मिलने वाली है। सो स्टे कूल मैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई एम प्रेइंग फॉर योर हैप्पी फ्यूचर। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।